Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। निजाम स्टाइल्ड फिश फ्राई। मीनवाइल जब तक स्पाइसेस थोड़े ठंडे हो रहे हैं आपां फिश नू प्रोसेस कर लैंदे आ। ते फिश नू प्रोसेस करन दा भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टाइल है, मैं तुहानू दिखाना। इस तरह की रेसिपी दे विच जिहड़ी फिश होनी चाहिए है वह थोड़ी जी मीटी भी होवे प्लस थोड़ी थिन लेयर भी होनी चाहिए ताकि फ्राइंग दे विच ही वह पक जाए, सानू ज़्यादा टाइम ना देना पवे उसनू। सब तो पहला तो जी असी बोनलैस फिश यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी ये बोन गलती ना रह गई होवे वह तुसीं फील करनी है, तो बाय चांस जो कोई बोन होवे उहनू तुसीं रिमूव कर सकते हो। इत्थे तां जी नीट एंड क्लीन है, कोई बोन है नहीं। तो हुण आपां की करांगे जी, जिहड़ी इह फिश है ना उसके साइज़ के हिसाब नाल, जिवें कि इसदे मैं 3 पीस करूँगा तो जदों भी मैं पीस करना ये डायगनली करना है इस तरीके नाल। हुण होएगा कि इहदी लेंथ वड्डी हो जाएगी तो थिकनैस थोड़ी जी घट जाएगी तो ओवरऑल कुकिंग दे विच बिल्कुल ईवन टैक्सचर आएगा। तो इस तरीके नाल आपां फिश नूं जिहड़ा है प्रोसैस करांगे। तो हुण जी असी नैक्सट स्टैप वास्ते रेडी हाँ। देखो जी बहुत वधिया असी फिश नू कट कर चुके हैं, मसाला भी मैं ग्राइंड कर लिया जी, बहुत वधिया इसका टैक्सचर आया। हुण आपां करना है जी मैरीनेशन बनावांगे तो इस फिश नू बहुत वधिया फ्लेवर्स नाल इंट्रोड्यूस करावांगे। तो मैरीनेशन बनाने लई सब तो पहली चीज़ है जी ओबियसली बहुत सारे स्पाइसिस असी मिक्स करने हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं जी सब तो तिखी चीज़ तो, इहदे विच असी ऐड कर रहे हैं थोड़ी जी लाल मिर्चां दी पेस्ट। इस दे नाल असी ऐड करांगे 1 चम्मच भर के अदरक लसन की पेस्ट, ये बिल्कुल शार्प फ्लेवर ऐड करेगा फिश दे विच। ते हुण जी असी ऐड करांगे सारे ड्राई मसाले, जिवें कि असी ताज़ा एक मसाला कुटिया उहदा मैं 1 चम्मच भर के इहदे विच ऐड कर रहा। इस दे नाल नाल असी ऐड कर रहे हैं थोड़ा जिहा नमक, हाफ स्पून इस च नमक जाएगा। तो 1/4 चम्मच मैं इहदे विच हल्दी ऐड कर रहा। तो इस तो बाद असी ऐड कर रहे हैं जी 1/2 चम्मच चाट मसाला, ये बहुत वधिया एक इंटरेस्टिंग फ्लेवर ऐड करेगा। तो हुण असी इस दे विच खटास ऐड करनी है नींबू की, इत्थे मैं 1.5 नींबू या 2 नींबू ऐड कर रहा। तो चंगी तरह इस नींबू नूं निचोड़ के फिर आपां कंटिन्यू करते हैं आपां मैरीनेशन। हुण आपां जी इहदे विच सारे फिश दे पीसिस ऐड करांगे ते चंगी तरह इस मैरीनेशन नूं फिश उत्ते अप्लाई करना है। बेसिकली जिहड़ी फिश है ना जी बहुत डेलीकेट इंग्रीडियंट हुंदी है, इहदे विच कनैक्टिव टिश्यूज बहुत घट हुंदे हैं ते कोई भी फ्लेवर होवे जिवें कि इस दे विच आपां नींबू पाया नमक पाया वह सारे फ्लेवर जिहड़े फिश दे विच बड़ी जल्दी पेनीट्रेट कर जांदे हैं क्योंकि टिश्यूज बड़े इहदे वीक हुंदे हैं। ते कोशिश इह करनी है कि जिहड़ी इह मैरीनेट है हल्की हल्की हरेक पीस ते अप्लाई हो जाए। तो लो जी आप इसको मिक्स करके थोड़ी देर लिए रेस्ट करवावे तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो हूँ आप इस रेसिपी का नैक्सट स्टैप शुरू कर लगे हैं, एक ना बहुत वधिया जहाँ बैटर तैयार करा तो उस बैटर को क्रिस्प रखने वास्ते बड़ी इंट्रस्टिंग एक मैं टिप थोड़े शेयर करूँगा जी। शुरुआत करते हैं आप मैदे तो, इतने मैं यूज़ कर रहा जी 3-4 चम्मच रिफाइंड फ्लार, ये थोड़ा जहा क्वानिटी भी ज़्यादा यूज़ करना। तो इस मैदे को असी बैलेंस करा थोड़ा जहा कॉर्नस्टार्च ऐड करके, मैं इतने 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च ऐड कर रहा। तो थोड़ा जहा इस फ्लेवर देना जी, आपां इस आपां 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। ये नाल जिहड़ा मसाला मैं तैयार किया सीगा इहदा 1/4 स्पून ऐड कर रहे हैं ताकि जो फाइनल लेयर फिश की होएगी उसके उत्ते भी कितने कितने ये मसाला आए। ये असी 1/4 चम्मच चाट मसाला ऐड कर रहे हैं ते नाल एक वधिया जिहा इंग्रीडियंट होर जाएगा जी जो कि है बेकिंग सोडा, ये मैं 1/2 स्पून ऐड कर रहा जी। चंगी तरह इसको फैला दिता। तो हुण आपां इस थोड़ा जिहा पानी ऐड करांगे, इसनों असी मिक्स कर लेना। तो मीनवाइल एक होर इंट्रस्टिंग जी चीज़ करनी है, आपां एक ड्राई रब बना रहे हैं, ये मैं यूज़ करूँगा 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च ते 2-3 चम्मच मैदा। ये ड्राई रब जिहड़ा है फिश नू इनिशियल कोट करने वास्ते यूज़ करांगे, इनू भी थोड़ा जिहा सीजन करना जी, अपना खुद का बनाया हुआ मसाला ते थोड़ा जिहा सॉल्ट बस हल्का जिहा, इसनों आपां मिक्स कर लवांगे। तो जो ड्राई रब है जी बहुत हैल्प करेगा फिश नू उसका टैक्सचर मेनटेन करने लिए। तो हुण आपां नैक्सट स्टैप शुरू करते हैं, डीप फ्राइंग लिए ऑयल रेडी करना है। तो इतने असी यूज़ कर रहे हैं जी गगन एक्टिव रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। वैसे तो देखो मार्केट च कुकिंग ऑयल बहुत मिलते हैं पर गगन एक्टिव रिफाइंड ऑयल की गल यह है कि ये 4 एक्टिव बेनीफिट्स मिलते हैं जिस विच काफ़ी सारे वाइटमिन्स ते ओमेगा 3 होंगे हैं, यही कारण है सानू चुस्त ते तंदुरुस्त बनाई रखता है। तो सही तो कहते हैं खाओ गगन रहो मगन। तो इतने असी डीप फ्राइंग लिए 1 लीटर क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं गगन एक्टिव रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की, इनू मैं पैन दे विच पा देवांगा। तो लो जी डीप फ्राइंग लिए असी बिल्कुल सफिशेंट क्वांटिटी जी ऑयल की ऐड कर लीती।
जब तक ये गर्म होंगे ना नेक्स्ट स्टेप मैं शुरू कर लेना ये जो ड्राई रब असी बनाया सी हुण जो फिश के पीसिस हैं हल्का हल्का इसनों आप ड्राई रब च कोट करांगे एक जी इनिशियल लेयर है ना कोटिंग की वो आप शुरू कर देनी है तो ड्राई रब का फायदा यह होंगे कि कोई भी जो मॉइस्चर है क्योंकि इस आप लैमन ऐड किया है नमक ने भी थोड़ा जहा मॉइस्चर रिलीज़ किया वो सारा जो मॉइस्चर है वो असी अब्जॉर्ब करा लेना बिल्कुल तो इस तरीके आप इस ड्राई रब करना है तो सारी फिश के पीसिस ड्राई रब करके आप कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को ते हुण जी असी सारे जिहड़े फिश दे पीसिस सीगे उहनू ड्राई रब कर लिता है ते हुण उह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली स्टेज आ चुकी है बैटर दे विच मैं एक चम्मच सिरका ऐड करूँगा जी ते बहुत वधिया जिहड़ा बेकिंग सोडा है उह इहदे नाल रिएक्ट करके इसनू एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा ते बबल्स जिहड़े उह बनणगे लो जी इहनू आपां चंगी तरह मिक्स कर दिता ते हल्के हल्के बबल्स जिहड़े दिखणे शुरू भी हो गए हैं ते इस स्टेज ते आपां चैक करना है हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो गया जी ऑयल दा टैंपरेचर ते हुण आपां डीप फ्राइंग शुरू कर सकते हैं डीप फ्राइंग वास्ते करना की है जी ये जी फिश है तो इस बैटर दे विच आपां वधिया जी कोटिंग लेके आनी है बिल्कुल इस तरीके दे नाल ते एक्स्ट्रा जिहड़ा बैटर है वह ड्रिप ऑफ करके बहुत ही प्यार दे नाल इसनू आपां कढ़ाई दे विच ऐड कर देवांगे ते इहनू असीं तद तक फ्राई करना जब तक कि वधिया गोल्डन जिहड़ी है क्रस्ट ना हो जाए तो थोड़ी क्रिस्प ना हो जाए ते आ देखो पूजा जी किन्ना वधिया इसका गोल्डन कलर आया है जिवें मैं इसनू टच कर रहा ना तो बहुत क्रिस्प भी फील हो रही है बिल्कुल इस स्टेज तक आप कुक करांगे ते जी हुण आप फर्स्ट बैच जिहड़ा है वह कढ लेना जी ते सारे जिहड़े ऑयल्स ने एक्सट्रा वह भी तुसी इस पैन दे विच ही ड्रिप होन दो ते चंगी तरह इसनू इस तरह रिमूव करना आप ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਸਟ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਇਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਸ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰਿਸਪ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲੇਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਟਾਈਲ ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੰਚੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਫਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿੰਟ ਸੌਸ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜੀ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸਨੂੰ ਟੇਸਟ ਅਤੇ ਲਓ ਮੈਮ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਟੈਕਸਚਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਲਟਿੰਗ ਸੌਫਟਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀ5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ